ये देखो ये दारू ले जाई जा रही है, ये दारू ले जाई जा रही है। और ये सारा का सारा परिसर है काली माता मंदिर का परिसर, आप देख सकते हो सारा का सारा काली माता जी का मंदिर का परिसर है। और यहाँ पे चढ़ाई जाती है दारू, पहले इन दारू को मंदिर में भोग लगाया जाता है, उसके बाद इन दारू को यहाँ पे दे दिया जाता है, ये ड्रम में दारू उल्टा देते हैं कम्प्लीट। और उधर दारू चढ़ाई जा रही है, अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर कमांडो पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। वो देखो उधर देख रहे हो सरदार जी, सरदार जी खड़े हैं, 3-स्टार सिक्योरिटी भी यहाँ पर है। तो भाई ये है पूरा का पूरा काली माता जी का मंदिर, और आप यहाँ से फ्री सेवा है, यहाँ पे जूता रख सकते हो, ये जूता घर है, और यहाँ से जूता घर रखने के बाद यहाँ पे हाथ धो लीजिएगा, और ये प्रॉपर मंदिर है, यहाँ से अंदर जाना है। और जूता घर के लिए भैया लाइन है, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है। तो भाई जूता रखने के लिए तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, और समस्या ये है कि भाई मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ और जूता रखने की पंचायत हो रही है यहाँ पे। चलो देखते हैं एक बार जूता वूते भी रखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो भाई ये देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त लाइन है यहाँ पे। तो भाई काली माता जी के मंदिर में पहुँच गए हैं, प्रसाद अपने ले लिया है, और फ्री जूता घर की लाइन जो है ना, जब मैं यहाँ आया था बहुत ज़्यादा लाइन थी, तो मैंने क्या करा प्रसाद ले लिया, और जिस पर दुकान पर प्रसाद लिया उसने जूते रखवा लिए। लेकिन अब यहाँ पे लाइन है ना वो कम्प्लीटली हट गई है। तो अभी अपन चलते हैं मंदिर में, चलते हैं और माता रानी को धोख लगाते हैं, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शराब चढ़ती है भाई, ओपन शराब चढ़ती है, तो आपको वो शराब दिखाएंगे। तो भाई मंदिर में एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है, बार बार बैग वैग चेक करवा रहे हैं। और आप सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो दारू चढ़ती है, दारू दिखाता हूँ भाई, उधर देख सकते हो भाई उधर चढ़ रही है दारू, ये देखो ये दारू लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे चढ़ाई जाती है दारू, पहले इन दारू को मंदिर में भोग लगाया जाता है, उसके बाद इन दारू को यहाँ पे दे दिया जाता है, ये ड्रम में दारू उल्टा देते हैं कंप्लीट, ये लोग ड्रम में दारू उल्टा देते हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे ना लोग दारू वारू लेके जाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई मंदिर में दारू लेके आना। इधर देखो भाई ये दारू चढ़ाई जा रही है, वो देखो वो टंकी में उसने डाल दी दारू, और उधर दारू चढ़ाई जा रही है, ये देखिए ये ढक्कन बंद कर दी। यहाँ लगभग सबके थैलों में दारू है भाई, सबके थैलों में दारू है, और फुल दारू चढ़ाई जा रही है भाई, वो देखिए उधर ये दारू चढ़ाई जा रही है, फुल दारू, दारू ही दारू चढ़ाई जा रही है काफ़ी ज़्यादा। माता मंदिर है, इधर चढ़ती है भैया सारी दारू कंप्लीट, ये दारू है, और इतनी शराब की स्मेल आ रही है ना भाई साहब, इसका कोई हिसाब नहीं है। इधर ये कंप्लीट चढ़ती है दारू। तो सभी भाई बोलो जय माता दी और जय माँ काली। और यहाँ पे ज़बरदस्त है भैया, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, पटियाला के काली माता के मंदिर की बहुत मान्यता है। अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में, और मंदिर में शायद अलाउ नहीं है कैमरा, तो बने रहो आप हमारे साथ ही। तो भाई मेरे पीछे है काली माता जी का मंदिर, और यहाँ पर अभी जस्ट मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, और माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दर्शन है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, इसी वजह से हम लोग कैमरा वैमरा यहाँ चला नहीं पाए, और बाकी दर्शन कर लिए, और बाकी और देवी देवताओं के भी दर्शन करते, बहुत विशाल मंदिर है। ये देखो भाई ये दारू ले जाई जा रही है, ये दारू ले जाई जा रही है, और ये दारू चढ़ाई जाती है खुली, ओपन दारू ले जाई जाती है यहाँ। और ये सारा का सारा परिसर है काली माता मंदिर का परिसर, आप देख सकते हो सारा सारा काली माता जी का मंदिर का परिसर है, और काफ़ी दुर्लभ विचित्र विशाल मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा विशाल मंदिर है। तो दर्शन हो चुके हैं भैया काली माता मंदिर में, काली माता जी के भी, दुर्गा माता के भी, और सभी देवी देवताओं के दर्शन हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर शराब लेके जाना मना है, जैसे मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ शराब लेके जाना मना है। शराब लेके जाना मतलब काली माता के मंदिर में ही शराब चढ़ती है, बाकी किसी मंदिर में भी शराब लेके जाना सख्त मना है यहाँ पर। और बाहर सिक्योरिटी गार्ड बार बार पूछते भी रहते हैं कि शराब तो नहीं है आपके बाइक में, शराब तो नहीं है, पंजाबी मतलब ऐसे पूछते हैं, शराब तो नहीं है। तो अपने पास तो है सिर्फ लड्डू, शराब वराब का अपना काम नहीं है। तो ये काली माता का मेन मंदिर है, उसके बाद ये मंदिर आते हैं, और ये भी सब मंदिर हैं, कार्यालय हैं, मंदिर हैं। और ये देखो यहाँ पे हवन हो रहा है, उधर है बजरंगबली जी का मंदिर, और काफ़ी विशाल का है मंदिर है भैया, एक नंबर का मंदिर है। हालांकि मैं ज़्यादा खुल के व्लॉग नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर पॉइंट पे सिक्योरिटी गार्ड है, हर पॉइंट पे सिक्योरिटी है यहाँ पर, और इसी वजह से मैं ज़्यादा खुल के व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा यहाँ पर। और समझ ही सकते हो यार, थोड़ी समस्या ज़्यादा हो जाती है हर पॉइंट पर, अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड, और थोड़ा डर भी रहता है कि सिक्योरिटी वाला अगर टोक दे तो फिर क्या होगा। तो
बाकी बने रहो आप हमारे साथ ही, और देखते हैं आपको और कुछ नज़ारे हैं तो यहाँ पे और बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं आपको। तो ये सारा का सारा फ़िलहाल अभी इस समय मैं मंदिर में घूम रहा हूँ, और लोग ना जैसे अपन वो लगाते हैं ना, जैसे सवामणि लगाते हैं, जैसे लड्डुओं की, बर्फ़ी की या किसी की, वैसे यहाँ पर पेटी की पेटी लोगों को लेके आए हैं, पेटी की पेटी चढ़ाने और दारू की पेटी। तो काफ़ी ज़्यादा आस्था है लोगों की, और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं भाई, बहुत दूर दूर से, बहुत मान्यता है भाई मंदिर की, बहुत ज़्यादा मान्यता है। बोलो जय माँ काली। और यार ऐसे बार बार वो दारू चढ़ा रहे हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करना भी वो ठीक नहीं है, अपने ब्लॉग के लिए किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना भी ठीक नहीं है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ कि यार ऐसे किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना ठीक नहीं है, और ये अपमान ही है एक तरह से। तो माफ़ी चाहूँगा मैं ये सभी का, आपको ब्लॉग में दिखाना था तो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है कि भाई वो दारू वारू यहाँ पे चढ़ती है। तो और हाँ, मुझे नहीं पता वो दारू चढ़ाने का प्रोसीजर क्या है या क्या है, लेकिन जो भी हमारी आस्था है, क्षमा करना माँ, बोलो जय माँ काली। और माँ काली का काला रंग का टिक्का भी मैंने यहाँ पे लगाया है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और एक चीज़ हो रहा है भैया, यहाँ पे रोज़ लंगर भी चढ़ता है, दोपहर के टाइम और रात के टाइम दोनों टाइम लंगर चलता है। दोपहर के टाइम तो मेरे ख्याल 12:30 बजे के आसपास यहाँ लंगर स्टार्ट हो जाता है, और शाम को मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन शाम को भी है, सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ पे फ्री लंगर है, जितना भी खाना है खाओ, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और माता की चुन्नी उन्नी भी चढ़ती है, तो बोलो जय माता दी। तो ये सारा भवन आप देख सकते हो, ये श्री शिव शक्ति सेवा दल लंगर चैरिटेबल ट्रस्ट, और यहाँ पर लंगर होता है। ये पूरी रेलिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर स्पेशल लंगर के लिए इतनी रेलिंग लगाई जाती है, क्योंकि जब लंगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। तो ये देख सकते हो कि ये यहाँ पर कम्प्लीटली लंगर होता है, और आगे सिक्योरिटी गार्ड है क्या? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर होता है भैया लंगर, यहाँ पर लंगर है, मेन एंट्री उस साइड से हो जाएगी, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है, और हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे। और तो बस चलते हैं फिर अपन काली माता जी के मंदिर से, आशीर्वाद मैंने ले लिया है। तो अभी हालत टाइट हो गई थी मेरी, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वो लगा था मेरे को घूर रहे थे, लेडी सिक्योरिटी थी वो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेरे को घूर रही थी। तो एक बार तो देख के लगा कि भाई मेरे को टोकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को टोका वोका तो नहीं है। लेकिन अब ज़्यादा यहाँ व्लॉगिंग नहीं करते, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। बाहर भी थ्री स्टार जो पुलिस वाले हैं, 3 स्टार, और वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे हैं, मतलब बैग वैग चेक करते हैं, तभी जाके आपको एंट्री मिलेगी अंदर, और फिर ज़्यादा इतना नहीं करते। तो बस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और 3 स्टार सिक्योरिटी अपने जूते वूते लेते हैं और पहनते हैं और चलते हैं। बोलो जय महाकाली। तो भाई अभी आ चुके हैं बाहर काली माता जी के मंदिर के, और अभी आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे कमांडो पुलिस वाले, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। वो देखो उधर देख रहे हो, सरदार जी खड़े हैं। 3 स्टार सिक्योरिटी भी यहाँ पर है, मेरे भी चुल है। अभी मंदिर के थोड़ा सा बाहर ही आया हूँ, मतलब मेन गेट के तो अंदर ही हूँ, और फिर भी वीडियो रिकॉर्डिंग व्लॉग शूट करे जा रहा हूँ। मेरे भी चुल है, कोई पुलिस वाला डंडा आगे लगाएगा ना, तब जाके पता चलेगा। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और अभी चलते हैं अपन भादुरगढ़ अपने जाना है, भादुरगढ़, झज्जर वाला भादुरगढ़ नहीं, पटियाला वाला भादुरगढ़। तो बने रहो आप हमारे साथ, सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, सिक्योरिटी से बाहर निकलते हैं। तो भाई काली माता मंदिर के बाहर आ चुका हूँ मैं, सिक्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे कमांडो और पता नहीं कौन कौन सी पुलिस लेके खड़ी है यहाँ पे डंडे और हथियार, और समझ नहीं आ रहा सिस्टम क्या है यहाँ पर। और इतनी ज़्यादा टाइट है, अभी भी लोग मेरे को ही देख रहे हैं, पुलिस वाले मेरे को ही देख रहे हैं। तो भैया ज़्यादा लोग नहीं करते यहाँ पे, तो पड़ने वाले डंडे और कोई पता नहीं है, यहाँ पे बंदूक भी चला दें। तो अभी दिखाता हूँ भाई, ये देखो, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर वो बंदूक लेके खड़ा है पुलिस वाला, ये यहाँ पर, ये देखो, और ये निशाना लगाए बैठा है वो इसकी राइफलरी, और ये मेन है एंट्री है, मेन एंट्री पे इतने ज़्यादा पुलिस वाले हैं ना भैया, जिसका कोई हिसाब नहीं है, इतने ज़्यादा पुलिस वाले हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। और अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, अब अपन जाएंगे पटियाला में, आगे जाके भादुरगढ़, और भादुरगढ़ के लिए देखते हैं क्या सीन है। अभी पहले तो जाते हैं बस स्टैंड से बस लेते हैं राजपुरा की, बीच में भादुरगढ़ आ जाएगा। तो ये ट्रेन देख सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पर है पटियाला कैंट रेलवे स्टेशन, ये देख सकते हो, ये है पटियाला कैंट रेलवे स्टेशन, और जैसे कि यहाँ पे मालगाड़ी जा रही है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड, इधर साइड में बस स्टैंड है, इधर से जा करके अपना बस स्टैंड आ जाता है। तो भाई ये है बस स्टैंड पटियाला का, जो कि बहुत पुराना सा और अजीब सा है, गंदगी भी बहुत है, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है, सब कुछ पंजाबी में लिखा है भाई, हालाँकि इसके उल्टी साइड इंग्लिश में भी लिखा हुआ है,
तो ये ही है भाई पटियाला का बस स्टैंड। मेरे को बहुत दिक्कत होती है, उल्टी साइड घूम घूम के देखना पड़ता है बार बार। पटियाला के बस स्टैंड पे आ चुका हूँ, अभी जाना है मेरे को राजपुरा वाली बस लेकर के बहादुरगढ़। बीच में आएगा बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ में जाके रूम वूम लेते हैं और सीधा बहादुरगढ़ में रूम लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहो आप हमारे साथ ही, सीधा बस लेता हूँ और जाता हूँ मैं बहादुरगढ़, जो कि पटियाला वाला बहादुरगढ़ है, दिल्ली झज्जर वाला बहादुरगढ़ नहीं। हाँ तो भाई बहादुरगढ़ पटियाला में पहुँच चुके हैं, पटियाला से राजपुरा के बीच में बहादुरगढ़ पड़ता है, तो बहादुरगढ़ पहुँच चुके हैं। यहीं अपने को काम है और यहाँ पीछे दो चार होटल और गेस्ट हाउस भी हैं, तो वहीं पर अपन रुकेंगे फिलहाल। और ये हाईवे है भाई, ये पटियाला चंडीगढ़ हाईवे है, राजपुरा अम्बाड़ा होते हुए चंडीगढ़ निकलता है ये हाईवे। और शाम ढलने को है, लगभग 5:07 हो चुके हैं और अपने को यहीं पे थोड़ा सा काम है, यहीं पे थोड़ा सा काम निपटाते हैं। सबसे पहले भैया रूम लेते हैं, रूम लेने के बाद थोड़ा देखते हैं। और ये बहादुरगढ़ जो है एक गाँव है पटियाला का, तो पटियाला का गाँव है, काफ़ी मतलब बढ़िया गाँव है, और पंजाब के गाँव तो पता ही है यार बहुत बढ़िया है। बाकी यार हालत टाइट होगी पटियाला आने में, क्योंकि हरियाणा रोडवेज से कहीं भी आता हूँ ना, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी देखते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा बहुत आसपास की लोकेलिटी देख लो पहले कैसी लोकेलिटी है। तो ये सारा का सारा भैया आप देख सकते हो, ये है कौन सा है डिटेलर्स, ये अपने को क्या करना है इसका। और ये है भैया यहाँ पर सबसे पहले तो ये है चंडीगढ़ पटियाला हाईवे, ये देख सकते हो ये चंडीगढ़ पटियाला हाईवे है और अपने को यहीं पर काम है। ये है बहादुरगढ़ जो कि पटियाला के अंदर आता है। तो सबसे पहले भाई अपने जाते हैं रूम लेते हैं फिर देखते हैं थोड़ा बहुत। हाँ तो भाई 5:37 हो रहे हैं और अपने को पटियाला में बहादुरगढ़ में रूम मिल गया है। चलो अभी आपको रूम दिखाता हूँ, कितना ज़बरदस्त रूम है, बढ़िया रूम है, प्राइस भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो फटाफट रूम देखो, तीसरे मंजिल पर है तो थोड़ा हाफ राउंड इसलिए, तो प्राइस भी बहुत अच्छा है। तो चलो रूम देखो, तो ये सीढ़ियाँ हैं और ये कॉरिडोर है और ये एक्चुअल अपना रूम है। तो ये रूम देख सकते हो, ये बम्बार्टमेंट, और ये देख सकते हो ये अपना प्रॉपर रूम। और रूम का साइज छोटा है बट एक जने के रुकने के लिए बहुत सही है। ये है और टीवी भी दे रखा है, और जबकि टीवी चल रहा है टीवी में सब कुछ आ भी रहा है, और कबड भी है, तो काफ़ी ऑलमोस्ट काफ़ी बढ़िया रूम है, बहुत बढ़िया रूम है। तो भाई काफ़ी बढ़िया रूम है, बहुत बढ़िया रूम है, और नया ही बनाया है, ये बोल रहे हैं कि बस जस्ट नया ही अभी बनाया है इनका। रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट भी चालू करेंगे, मतलब डेवलप हो रहा है। 800 रुपये भाई ने मुझे बोले थे कि 800 रुपये आपसे लेंगे, ये वो है, मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करी, मैंने उससे 600 में करवा लिया। मैं भाई 600 रुपये मिले, काम खत्म कर, जस्ट पीछे ही मेरे को कल सुबह का काम है, फटाफट यहाँ से निकल के सुबह काम कर लेंगे और अपना काम हो गया। तो बने रहो आप हमारे साथ थोड़ी देर में, थोड़ा सा काम और निपटा लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ तो भाई टाइम हो चुका है 7:40 और रूम के अंदर मस्त LED चल रही है और बाजीगर मूवी आ रही है, जैसे आप देख सकते हो बाजीगर मूवी यहाँ पे चल रही है। और ये कुछ अपना रूम है, और रूम के अंदर फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, आज की रात का स्टे यही है, और इसके बाद सीधा सेम रूट पे हिसार जाऊँगा। हिसार के बाद एक दो दिन बाद शायद मुंबई का ट्रिप लग सकता है, और मे भी कन्फर्म नहीं है। और बाकी ट्रिप लगेगा तो मुंबई के अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को आप सभी को मिलेंगे। तो बस अभी का इतना सीन यही है कि यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, रात निकालेंगे और सुबह जल्दी चेकआउट है इस होटल का, 10 बजे चेकआउट है, लेकिन मैं तो 7:30-8 बजे चेकआउट कर लूँगा, 8 बजे तक लगभग चेकआउट कर लूँगा, सामान इनके पास ही रख दूँगा, अपना काम निपटाऊँगा, सामान उठाऊँगा और फटाफट हिसार चलेंगे। तो इस पटियाला सीरीज़ के मेरे ख्याल 2 व्लॉग ही आए होंगे, इन दोनों व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। और भाई देखो क्या है ना कि व्लॉग को लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, और भाई साथ बनाए रखना भूलना मत। थोड़ा बिजी शेड्यूल है, थोड़ा बिजी सिस्टम चल रहा है कि भाई व्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे ना यार, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग यार हिसार में लगभग सारी जगह कवर कर चुका हूँ, मेरे को कंटेंट नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ ना, एक बार जब हैबिट छूट जाती है ना आपकी, कि भाई एक बार थोड़ी सी हैबिट छूट गई व्लॉग करने की, फिर आप कहीं भी जाते हो ना, आप हर जगह कैमरा नहीं लेके जाते। एक बार रेगुलर मेरे व्लॉग लगातार हर रोज़ व्लॉग डाल रहा था मैं, रेगुलर व्लॉग मैंने काफ़ी टाइम तक, लगभग 1 साल तक मैंने रेगुलर व्लॉगिंग करी है, लगभग 9-10 महीने तक रेगुलर व्लॉगिंग करी है। उसमें क्या होता है ना, कहीं भी जाओ कैमरा निकाल के अपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर लो। अब मैं थोड़ा ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि यार थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, और ये बाकी आने वाले टाइम में नागपुर भी जाऊंगा, और भी बहुत जगह की काफ़ी सीरीज़ें आने वाली हैं। तो इसी के साथ साथ जो नए हैं वो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ कमेंट जरूर छोड़ा करो भाई कैसा व्लॉग लगा, पटियाला कैसे लगा। और पटियाला में भाई बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या है, ये मेरे को तो जिससे भी टकराव हो ना भाई, उन्होंने तो ऐसे ही धमका दिया भाई, मतलब पंजाबी में, मतलब थोड़ा टफ बोली है, और पंजाब में थोड़ा डर भी लगता है यार, दूसरे स्टेट की पुलिस का व्लॉगिंग कर रहा है, ये कर रहा है। और काली माता के मंदिर में भी इसकी सिक्योरिटी का काफ़ी कंसर्न था, तो ज़्यादा इतना व्लॉग कर नहीं पाया। तो आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, होप करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।